हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंह टूर ट्रैवल कश्मीर। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज मैं मटन जो जगह है वहाँ पर आया हूँ। आपको भी दिखाऊँगा, दर्शन कराऊँगा मंदिर के, यहाँ के नाक के, जिसमें बहुत सारी मछलियाँ भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये मटन जो है टेम्पल, ऐतिहासिक जगह है जो बहुत सालों से यहाँ पर एंशियंट जगह है। सूर्य देव टेम्पल है यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर शंकर शिवलिंग है। तो ये जो है इन मछलियों के लिए, जो ये मछली है इनके लिए दाना यहाँ पर डाला जाता है। वहाँ से पानी देखिए आ रहा है सोर्स, जो कि ये छोटा सा जो पहाड़ देखे इसके नीचे से वो पानी आता है। कृपया मछलियों के साथ छेड़ना मना है। यार मम्मी ला धक्का दे पाण्यात। ए मम्मी आधी दर्शन घ्या ना। हे दोन्ही मावशी मम्मी ला धक्का देते थांबले। साइज 4x Thomas is an indigenous fish thriving in the fresh waters of Kashmir, including Holy Martin Spring, since time immemorial. It's highly delicate so far its feeding habit is concerned. It is benthic feeder and very highly sensitive to a number of diseases if fed with unhygienic and unprescribed food. तो ये वार्निंग है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज की तरफ से कि इनको जो फूड है वो प्रिस्क्राइब्ड ही जो उससे दिया जाएगा। जब वो अपने विजिट पे थे कश्मीर में, तो यहाँ पर भी आए थे। ऐसी ऐतिहासिक मान्यता है। आपको भी ये व्यू दिखाते हैं। सामने गुरुद्वारा साहब है, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी मटन साहिब जी। तो यहाँ पर भी चाय लंगर सेवा चल रही है। बस मैं अपने चलती
यहाँ पर अंदर बहुत सारे सिख परिवारों के घर हैं अंदर। तो ये हमने अभी मॉर्निंग में आए हैं, हम लोग पहलगाम जा रहे हैं और रास्ते में ये मटन टेंपल पड़ता है और साथ में गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी मटन साहिब जो है ये है। तो हमने दर्शन कर लिए हैं यहाँ के और हम आगे की तरफ चलेंगे पहलगाम की तरफ। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। अभी हम पहलगाम पहुँच चुके हैं। मैंने बिल्कुल जो रिवर लेदर है उसके सामने बैठा हुआ हूँ। अभी आपको मैं उसका व्यू भी दिखा देता हूँ। ये लिदर रिवर है और यहाँ पर जो है वाटर राफ्टिंग पॉइंट भी है। सारा ब्यूटीफुल नज़ारा जो है आपको दिखा रहा हूँ पहलगाम का। यहाँ पर पार्क है, आज यहाँ काफ़ी कम लोग हैं। ये जो गाड़ियाँ आ रही हैं सब आडू वैली से आ रही हैं, लोकल गाड़ियाँ हैं आप देख सकते हैं, सब आडू वैली से आ रही हैं। ये रोड जो है आडू वैली की तरफ जाता है। ये पहाड़ है, यहाँ इस पहाड़ के पीछे गोल्फ कोर्स है। गोल्फ कोर्स पहलगाम पर फैमिलीज आ रहे हैं घूमने के लिए। पीछे आप देखिए पीक्स, स्नो कवर्ड पीक्स है, देखो वहीं से जो रास्ता है वो फिर आपका अमरनाथ केव की तरफ भी जाता है रास्ता। यहाँ से देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देखिए आप पहलगाम लिदर वैली, और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो ये देखिए, ये है वाटर राफ्टिंग। राफ्टिंग कर रहे हैं लोग। बेटा ऐसे नहीं होता है, उधर से दो मिनट। और राफ्टिंग बोट आ गई है। तो ये सब वेव कर रहे हैं। लोग किसे जा रहे हैं?
बोट जा रही है। पानी ठंडा होगा, ठंडा पानी। अब हम आ चुके हैं बेताब वैली। अब देखिए ये टूरिस्ट जो हैं ये गुजरात से आए हैं, इनसे हमारी दोस्ती पहलगाम वाली जहाँ पर हम रुके थे, जहाँ पर हमने लंच किया वहाँ पर देखा इनको। ये लोग सब गुजरात से आए हैं, हम भी आपके साथ पहुँच गए। लेकिन 10 किलोमीटर है ना, जाके आएंगे। हाँ तो सर बने वो। तो अभी हम सब पहुंच चुके हैं बेताब वैली। बेताब वैली सर, हम भी यहाँ आ गए। हम आपके साथ साथ चल रहे हैं सर, ये हमारे गुजरात से आए हैं। आपका नाम सर? जसवंत जैन। जसवंत जैन जी, ये हमें वहाँ मिले थे, ये सारे फ्रेंड्स, ये सब फ्रेंड्स आए हैं, सब सीए हैं गुजरात से, सारे गुजरात से आए हैं सर ये सारे। अब देखिए हम आपको अभी बेताब वैली का व्यू दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, बहुत बढ़िया व्यू है, बहुत ही रश है ज़्यादा। तो पहले यहाँ पर आना पड़ता है, तो यहाँ पर एक टिकट काटना पड़ता है। टिकट काट के फिर आपको यहाँ से देखिए, यहाँ पर टिकट काटना। तलब में तो टिकट चोर चोर आता छत उस बिछा दो, कितना ऊपर जाने का? ऊपर नहीं सर, प्लेन है सर। नहीं चलो सर, क्वेश्चन आपका मैं कुछ नहीं है भैया, जो यार ना जी फिक्स रेट है वहां से काम पर दो का है जी जी सोर देता है भजन छ सेम शेट बाहुर पांच बाहुर बाहुर ब्लॉक शो बना। अब बस क्या बनो, ब्लॉक शो बना है, ब्लॉक शो बना, ब्लॉक का ब्लॉक YouTube चैनल से। हां ना क्या सिंह टू ट्रैवल कश्मीर। तो ये हमारे पटेल साहब हैं, आप देखिए ये गुजरात से आए हैं। अरे टिकट हो गए, चार गए। चलो ओके सर। नहीं 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 चार। तो ये आप देखिए, अभी हम पहुंच चुके हैं बेताब वैली। आपको अभी यहाँ पर दिखाएंगे बेताब वैली में पूरा आनंद। जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे तुम्हें याद करेंगे। गाना बेताब वैली में ही फिल्माया गया, जो कि सनी देओल और अमरता सिंह। यहाँ ये भाई साहब फिशिंग कर रहे हैं, ये भी बंद हो गया। और यहाँ ये रैबिट आ गया, रैबिट सर। और देखिए अभी आप, ये है बढ़िया फिशिंग हो रही है सामने। यहाँ पर आपको सफेद कबूतर नजर आ रहा है, और ये नजर आ रहा है रैबिट। ये कितने क्यूट है। ना ना ना।